एवरीवन दिस इज अंशु। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी सभी मस्त हो गए। अनादर यहाँ पे फेस सेकंड एग्जाम का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा परीक्षा ऐप के बारे में बात कर लेता हूँ, देन अपना आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट स्टेप पे मतलब आपको रिव्यू क्या कॉल रिकॉर्डिंग फुल सुनाता हूँ। सिलेक्टेड कैंडिडेट भाई का सिलेक्शन हो चुका है, तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगा। नहीं आएगा तो डिसलाइक का ऑप्शन होता है, निगेटिव कमेंट्स करके जा सकते हो। निगेटिव कमेंट्स, एक बात बता दूँ, यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि निगेटिव कमेंट्स ज़्यादा निगेटिव शो नहीं करते हैं। सो अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगे तो डेफिनेटली आप अपने व्यूज़ बता सकते हो, जिससे मैं ट्राई करूँगा। बट अभी तो मैं पॉजिटिव ही आपको रिव्यू शेयर करो यार। तो जैसा आपको लगे डेफिनेटली कमेंट में बताया करो। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली अब पहले से ही बता देता हूँ, टेलीग्राम पे नहीं हो तो आ सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। NAVY SSR MR, या फिर अगर बात कर लेते हैं एयरफोर्स एक्स वाई, या फिर NDA, कोस्ट का नाविक, DB GD, सब के लिए बेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप अवेलेबल है। अगर आप इसे बाई करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। बाई करते समय आपका कूपन कोड का ऑप्शन आता है, ऑनलाइन D50 आप डालोगे, 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। और जो टेस्ट सीरीज का प्राइस है, जैसे 280 रुपये टेस्ट सीरीज का प्राइस है, तो 140 रुपये हो जाएगा। तो 140 में भाई ऑफलाइन वाले भी सेम प्राइस में मिलते हैं। बट मैं एक बात बता दूँ, ऑफलाइन वाले टेस्ट जैसे एयरफोर्स के होते हैं, तो 20 टेस्ट आपको ऑफलाइन में मिल जाते हैं, केवल केवल एक लैंग्वेज में, या तो हिंदी में ले लो या इंग्लिश में। अब इसके अपोजिट में इतने ही प्राइस में यहाँ पे परीक्षा पे 20 का डबल 40 टेस्ट मिल जाएंगे। अभी आपके 20 टेस्ट हैं, बट अगर आप अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालोगे, डेफिनेटली प्रॉमिस करता हूँ कि भाई 35 से 40 टेस्ट यहाँ पे आपको एग्जाम तक मैं करा दूंगा एयरफोर्स के। ठीक है, कोस्ट गार्ड के जैसे 15 है, तो 20 तक मैं करा दूंगा। और उसके बाद एक बार बाई कर लोगे तो इन फ्यूचर दोबारा बाई करोगे तो केवल केवल 110 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। बाकी आपको जैसा बेस्ट लगे यार, मेरा काम क्या आपको सजेस्ट करना, रिकमेंड करना, बताना, आपको बेस्ट लगे तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई फोर्स तो करना काम नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे और आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना। भोपाल सेंटर का रिव्यू होने वाला है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा देर बात हुआ है, लेकिन शेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं फुल। गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आने वाला है यार, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। अभी मैं उसका कुछ सॉल्यूशन है अपने पास, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। मेरा 15 SC भोपाल में था। अच्छा, तो कितने का रिपोर्टिंग था मॉर्निंग पे? मॉर्निंग पे लगभग 210 के आसपास होंगे बंदे। 210 के मतलब आस पास। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ऐसा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट का कुछ क्या रहा? हाँ, फेज 1 और फेज 2 का एडमिट कार्ड था, और डॉक्यूमेंट में मार्कशीट चेक कर रहे थे, मतलब 10th 12th की। अच्छा ठीक है, 12th का एडमिट कार्ड का कुछ पंगा नहीं हुआ? नहीं नहीं, कुछ ही ना कुछ पूछा ही नहीं 12th के बारे में। वो बस ऐसे ही है सर। चल ठीक है, तो सबसे पहले कदम ताल और रनिंग का ये मतलब सिस्टम कहाँ से पता लगा कि कदम ताल होगा रनिंग नहीं? उन्होंने खुद ने बोल दिया था, मतलब जो ऑफिसर के साइड में जो एयरमैन थे, मतलब वो उन्होंने बोला कि रनिंग नहीं होगी ये कोरोना के चक्कर में। तो उन्होंने बोला कि कदम ताल होगा। सर लोगों ने गाइड कर दिया होगा कि अभी रेडी हो जाओ कदम ताल के लिए, कुछ ऐसा। हाँ अच्छा, तो सबसे पहले कदम ताल कितने कराए? 50 कदम ताल हुए। अच्छा, तो बैक टू बैक कराए कदम ताल मतलब? हाँ ठीक है, और फिर उसका मतलब फुल PFT में कितने आउट हुए ये बताओ? PFT में लगभग 23 बंदे बाहर हुए। 23? हाँ, और शायद उनको फिर से मौका भी नहीं दिया। अच्छा, चांस नहीं दिया दोबारा, ठीक है कोई ना। हाँ, उसके बाद फिर उसका जो SRT टेस्ट हुआ उसमें? उसमें लगभग ज्यादा आउट नहीं हुआ, 8 से 10 बंदे होंगे। अच्छा, SRT में 8 से 10 के नेट आउट हुए। उसके बाद SRT का वही होगा 30 मिनट 45 क्वेश्चन और सेम ऐसे ही? हाँ। रीजनिंग का कितने क्वेश्चन थे? रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन थे, पर वहाँ पे मैंने ये देखा कि SRT में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जा रहा था, मतलब क्वेश्चन लाइन का कम से कम क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन लंबे होते हैं, बाकी सॉल्यूशन तो इजी होता। हाँ, अगर आप एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे तो फिर छोड़ने के चांस रहते हैं। हाँ, मतलब टाइम मैनेजमेंट मेन है वहाँ पर। टाइम मैनेज कर, वो तो बोथ लैंग्वेज पे होंगे। हाँ, बोथ लैंग्वेज में। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, अगर जैसे हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जी उसका, तो फिर आता है DFT तो हुआ नहीं? हाँ नहीं हुआ DFT तो। अच्छा ठीक है, उसका तो GD मतलब GD का कितने का ग्रुप था आपका और कौन सा ग्रुप था? मेरा मेरे ग्रुप में मतलब 16 बंदे थे। और मेरा टॉपिक था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस मतलब प्राइवेट सेक्टर वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। अच्छा ऐसा कुछ था। हाँ अच्छा, तो ये मतलब, और उसके बाद तो कितने कैंडिडेट हो फाइनली GD क्लियर करे या कितने फेल हुए GD में? मतलब जो 215 कैंडिडेट रिपोर्टिंग थी, तो लास्ट टाइम शायद 110
बंदे हुए थे फाइनल सिलेक्शन। अच्छा 110 फाइनली। हाँ 220 कितने का रिपोर्टिंग था टोटल? 210 या 215 का था, मतलब क्लियर एग्जेक्टिव पता नहीं है पर मतलब एवरेज, ऐसे एवरेज मतलब लगभग 100 बंदे बाहर हुए। अच्छा अच्छा, मतलब पूरे में 100 बाहर हुए। हाँ मतलब शुरू से लास्ट तक की प्रोसेसिंग में 100 कैंडिडेट बस हुए। अंशु भाई वहाँ से ऐसा रहा कि डॉक्यूमेंट में बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने, मतलब वो होता है यार, आपका ज्वाइनिंग लेटर तक फिल करा लेते, जो इनवेलप होता है वो तक फिल करा लेते उसी दिन। मेडिकल के 5-5-6-6 डॉक्यूमेंट वहीं पे बहुत देर लगा दी मतलब। हाँ नहीं नहीं वो पूरा तो फिर चलता ही रहता है, ये चलता ही रहेगा मतलब आगे तक चलता रहेगा, जब ट्रेनिंग जाओगे तो वहाँ पे भी यही सब होता रहता है। मैंने आपके चैनल से कितनी तैयारी, मतलब जो भी टॉपिक था मैं आपके वीडियो देखता था, और मैंने वो जो मेरा टॉपिक आया था उसमें ना तो मैंने बिल्कुल नया था मेरे लिए। हाँ वो तो टॉपिक मैंने नहीं करा है, ये कुछ हटके था, हटके नहीं था लेकिन बोल सकते थे इस टॉपिक पे। हाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस, मेरे हिसाब से बस जीडी में कॉमन सेंस है। हाँ बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल, बाकी और कुछ जीडी टॉपिक से एक दो कुछ सेंटर की आपको पता? एक था साउंड ऑफ लिरिक्स मतलब जो, और एक मेरे साइड वाले बंदे का था को एजुकेशन, जो आपने अच्छे से कराया था। हाँ मैंने को एजुकेशन तो कराया था। हाँ ठीक, पर वो मेरे उसमें ग्रुप में आया ही नहीं, तो मैंने कोई ना, जब भी जो सीओ सर आए थे विंग कमांडर, उन्होंने जब रिजल्ट बोला तो बहुत थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था कि क्या पता कि, तो बोल रहे थे कौन कौन पास होगा, फिर उन्होंने कुछ टेस्ट नंबर बोले, तो मतलब मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे ऐसे बंदे आउट हुए जिनको रोल नंबर बोले तो वो उठ ही नहीं रहे थे, मतलब हाथ ही खड़ा नहीं कर रहे थे। अच्छा उनको ऐसा लग रहा था कि हम पास हैं? हाँ अच्छा, कोई भी हाथ खड़ा नहीं कर रहा था, उन्होंने टेस्ट नंबर बोला और कि ये बंदे साइड से, हाँ साइड वाले उसमें चले जाओ। हाँ वो एक साइड पे कर देते, या तो पास वाले एक साइड पे या फेल वाले एक साइड पे। हाँ तो फिर उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, अब एटीट्यूड टेस्ट पास हो गए। ओह ग्रेट, ठीक है यार, इतना थैंक यू सो मच इसके लिए। और बाकी अब यार अंशु भाई बस मैंने आपके पास एक फिंगर वाली मेरी इमेज भेजी थी, आपको पता हो तो बहुत पहले, मतलब आप मुझे फिर से कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है हाँ, और आप मेरा मेडिकल मुंबई में है तो मेडिकल के बारे में अभी बता, रुकना अभी मैं इसे पॉज कर देता हूँ, फिर आप पूछ लेना। ठीक है ठीक। सो गाइज ये था पूरा आपका भोपाल सेंटर का रिव्यू, स्पेशली 11th का जनवरी का था, अदर सेंटर्स का जल्दी लेके आने वाला हूँ, नाइट में आएंगे रिव्यूज़, सो डोंट वरी, जैसे जैसे रिव्यूज़ मिलते जाएंगे मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, एंड टेंशन ना लो। बाकी अपना भी रिव्यू शेयर करो यार, हैशटैग ऑनलाइन एजुकेशन 9260@gmail.com मेरा मेल आई डी, यहाँ पर अपना भेज सकते हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, ना आया हो तो डिसलाइक कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।